नमस्कार दोस्तों, श्री साई मूर्ति या चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंडित जितेंद्र शर्मा दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं मात्र 7 इंची में वियतनाम मार्बल से बनाए हुए लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर आउटस्टैंडिंग प्रतिमा। आप देख रहे होंगे वियतनाम मार्बल की बेस्ट क्वालिटी स्कॉन स्टाइल में लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा श्री साई मूर्ति आर्ट के माध्यम से बनाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हो, पैरों की उंगलियां, लंगोट, लड्डू और बिल्कुल बिना सपोर्ट के बनाए गए हैं, जिनमें आप वस्त्र वगैरह आसानी से लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। और यह प्रतिमा जो बनाई गई है, यह होम यूज़ के लिए बनाई गई है, अपने घरेलू उपयोग के लिए बनाई गई। जैसे आप पीतल वगैरह के भी लड्डू गोपाल जी अपने घर स्थापित करते हैं, तो मार्बल के लड्डू गोपाल स्थापित करें, बहुत ही सुंदर और अद्भुत विग्रह दिखते हैं और आपको अपने घर मंदिर में एक अलग ही सौंदर्य लेके आते हैं। इनका सौंदर्य में इतना तेज होता है कि आप देखते रह जाते हैं, मन मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि लड्डू गोपाल जी की है प्रतिमा को हम अपने साथ साथ जहाँ भी जाएं, ट्रैवल करें, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर ले जाना चाहते हैं। तो इतनी अच्छी प्रतिमा बनाई है कि इनमें वजन भी मात्र 1 से 1.5 किलो का वजन रखा गया है। यह है देखते हुए कि भक्त को किसी प्रकार का असुविधा का सामना ना करना पड़े, आप इनको बैग में भी रख सकते हैं और पैकिंग करके भी ले जा सकते हैं, खुले में ले जा सकते हैं, थाली में सजा करके इनकी सेवा कर सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं पर भी। और अभी इनमें नेत्र वगैरह का जो हसमुखता, जो लिप्स वगैरह हैं, आँखें वगैरह, आईब्रो हैं, बाल हैं, ये इनका पूरा श्रृंगार है, आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। यह मूर्ति जो बरेली उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई है ऑर्डर के अनुसार, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, चीप एंड बेस्ट प्राइस में है। आप पीतल से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके एक अद्भुत प्रतिमा ले सकते हैं। पीतल में इतना सौंदर्य नहीं होता जितना सौंदर्य मार्बल की मूर्ति में होता है। और दोस्तों, इनमें ये खासियत है कि इनमें एक तिल भर का भी निशान नहीं है दोस्तों, बिल्कुल प्योर वाइट है, दूध की तरह आप देख सकते हैं, दूध की तरह प्योर वाइट है, बिल्कुल स्कॉन स्टाइल में है। इनका फेस आप देख सकते हैं, अभी फेस बनेगा जब इनके नए नक्श बन जाएंगे, एक वीडियो और डालूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन यह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सभी भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।